हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपना बेहद ही ख्याल रख रहे होंगे। आज का ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही अहम, क्योंकि इसमें हम करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ नोट मेकिंग या मेकिंग नोट्स। हम सीखेंगे नोट मेकिंग करना, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर से 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए। आइए शुरू करते हैं। पहले तो उस पैराग्राफ को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे जिसके हमें नोट्स प्रिपेयर करने हैं। वी लिव इन डीड्स, हम जीते हैं कर्मों में, एंड नॉट इन ईयर्स, सालों में नहीं। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस, ऐसा इसलिए है क्योंकि, दैट ऑल ऑफ अस, कि हम सब प्रेफर वन आवर क्राउडेड विद ग्लोरी, एक घंटा पसंद करते हैं शानो शौकत के साथ जीना, टू अ होल लाइफ विदाउट फेम, बजाय उस लंबी सी सारी सी जिंदगी के जिसमें कोई नाम नहीं है, कोई प्रसिद्धि नहीं है। वो कहते हैं ना, जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। इफ़ प्रोविडेंस वेयर टू पुट द चॉइस बिफोर अस, अगर हमारे सामने कोई चॉइस रखी जाए, पर हैज़ वी शुड ऑल एक्सक्लेम, शायद हम सब ऐसा कहेंगे, गिव अस 60 एक्साइटिंग मिनट्स, हमें वो शानदार रोमांचक जोश से भरे हुए 60 मिनट दीजिए, एंड नॉट countless millions of tame years without a name, हमें वो दबे कुचले बेकार और बेजान से हजारों लाखों मिनट्स की ज़िंदगी नहीं चाहिए जिसमें कोई खुशी ना हो, कोई आनंद ना हो। A life however short is spent, एक ज़िंदगी जो शायद छोटी ही सही, in doing things useful to the world, जिसमें ज़िंदगी की वो ज़रूरी चीज़ें की जाएं जिससे ये दुनिया खुशहाल हो, और ह्यूमैनिटी या फिर मानवता के प्रति, इज मच बेटर देन लिविंग 100 ईयर्स, उस 100 साल की ज़िंदगी से बहुत अच्छी है। कहते हैं ना, 100 बरस की ज़िंदगी से अच्छे हैं प्यार के 2-4 पल। एंड स्पेंडिंग द टाइम इन वेन, और निराशा में समय बिताना, एंड यूजलेस परस्यूट्स, उन बेवजह की तलाशों में, इट इज़ नॉट लाइफ, ये ज़िंदगी नहीं, दैट मैटर्स बट नोबल एक्शंस, बजाय इसके वो महान कार्य मायने रखते हैं, नहीं रखती मायने वो ज़िंदगी जो लंबी हो और जिसमें कोई बड़ा काम ना हो। अ मैन मे हैव अ शॉर्ट स्पान ऑफ लाइफ, हो सकता है किसी आदमी की ज़िंदगी छोटी हो, वो बहुत लंबा ना जिया हो, बट इफ़ विद इन दिस पीरियड, लेकिन इस अवधि में ही हैज परफॉर्म नोबल एक्शन, उसने महान कार्य किए हों, ही मे बी सेड टू हैव ट्रूली लिव्ड, उसके बारे में ही कहा जाएगा कि सच में वो जिया। ओके, तो आइए इसके नोट्स प्रिपेयर करते हैं। तो नोट्स ऑन द पैसेज होंगे, नंबर 1, लाइफ क्राउडेड विद ग्लोरी इज प्रेफर्ड, वो जीवन जिसमें शान शौकत भरी है, जिसमें कुछ गौरव है, वो जीवन ज़्यादा प्रभावशाली है और सब उसको वरीयता देते हैं। अब वो पॉइंट्स जो डिफाइन करेंगे इन नोट्स को, नंबर 1, वी लाइक टू लीड अ ग्लोरियस लाइफ, हम एक शानदार ज़िंदगी जीना चाहते हैं। यहाँ बात ऐशो आराम की नहीं, गौरवशाली जीवन की हो रही है, ना कि वैभवशाली। इसे डिफाइन करेंगे, ए, एन एक्साइटिंग मिनट इज प्रेफर्ड टू टेम ईयर्स, एक उत्साह से भरा हुआ मिनट बहुत लंबे सालों की गुलामी की ज़िंदगी से बेहतर है। बी, अ शॉर्ट लाइफ स्पेंट इन डूइंग थिंग्स यूजफुल, वो छोटी सी जिंदगी इसमें उपयोगी कार्य किए गए टू द वर्ल्ड, संसार के लिए, इट्स मच बेटर देन लिविंग 100 वेन ईयर्स, ज़्यादा अच्छे है बजाय उस 100 साल की निराशा से भरी जिंदगी के। सी है, अ शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ, एक छोटी सी जिंदगी विद नोबल एक्शंस, महान कार्यों से भरी हुई, इज प्रेफर्ड बाई ऑल, सबके द्वारा पसंद की जाती है, या सब उसके लिए वरीयता देते हैं बजाय उस बेकार बेजान और बेमजा जिंदगी। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको नोट मेकिंग का वीडियो? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपना सबसे फेवरेट एजुकेशनल चैनल ऑफ इंग्लिश, संजीव गोस्वामी। बाय।